पुलिस थाना बागली के ग्राम कमलापुर में 1 दिसंबर की रात्रि को अज्ञात बदमाशों द्वारा एक किराना की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था, जिसके आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। फुटेज के आधार पर पुलिस को 2 दिन में ही सफलता मिल गई और आरोपियों तक पहुँच गए। उक्त कार्रवाई में ग्राम कमलापुर के ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग है। पुलिस के अनुसार एक आरोपी किराना की दुकान पर काम करता था, जिसे पता था कि राशि कहां रखी है, फिर अपने साथियों के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोपी के पास से पुलिस ने 12,000 रुपये नकद जब्त किए हैं, शेष राशि जब्त करना बाकी है। बागली से संवाददाता की रिपोर्ट। को कमलापुर में चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें आरोपी पकड़ाए हैं, तो क्या है सर पूरा मामला? कमलापुर में फखरू अली मुसलमान है, उनकी किराने की दुकान है और उनका गुड़ का व्यवसाय है। तो 1 तारीख की रात में उनके दुकान के शटर उछका के एक आदमी अंदर गया, जो गल्ले में पैसे रखे थे कुर्सी के नीचे, उनकी ड्राज बनी थी उसी में गल्ले में रखे थे, पैसे निकाल के 2 मिनट में बाहर आ गया। तो वहाँ पर उसके सीसीटीवी कैमरे में भी फुटेज में 4 मुलजिम आए हैं, 3 ने शटर उछकाई थी और 1 अंदर गया था। उस आधार पर, फुटेज के आधार पर हमने फिर वहाँ से कमलापुर के 4 आरोपी को गिरफ्तार करा है, जिसमें 2 नाबालिग है, 1 15 साल का, 1 16 साल का है, और 2 बालिग है, 1 20 साल का और 1 19 साल का। उसमें जो बालिग है उनका नाम है डब्बू उर्फ सद्दाम और दूसरा गुलरेश, ये भी वहीं के हैं। और ये डब्बू तो उसकी दुकान पे काम भी करता था, तो उसको इस बात की पूरी जानकारी थी कि ये हमारा सेठ कहाँ पर पैसे रखता है और क्या है। तो हमने फुटेज प्रारंभिक जांच में ही फुटेज देखने से अंदाज लग गया था कि ये किसी देखे वाले आदमी की घटना है, क्योंकि अगर कोई अनजान आदमी होता तो वो इधर उधर और भी तलाश करता कोई रुपए पैसों की, और उसने डायरेक्ट जाते से ही उसी गली में से निकाल लिया, निकाल के पैसे निकाल के चल दिया। सर कितनी राशि चोरी हुई थी और कितनी क्या बरामद की? ये तो करीब करीब वो 80,000 के लगभग की बता रहा था, पर अभी हमारे पास टोटल 12,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। और इनका कहना है कि हम वहाँ से भागे थे तो हमारे जेब में से गिर गए रास्ते में, फिर दोबारा हमने ढूंढा तो वहाँ पर मिले नहीं हैं। ठीक, क्या आरोपी सर अभी न्यायालय में पेश किया गया है? जो बाल अपचारी थे उनको तो देवास कोर्ट में पेश करने के लिए ले गए हैं, और 2 जो बालिग है उनको बाली न्यायालय में पेश कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।